रिलेटेड टू लॉग एंड एंटी लॉग, थोड़ा सा अलग है. देर इज अ टॉपिक कॉल्ड साइन, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टैन, रेसिप्रोकल्स, स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स. ये सारे बड़े बड़े कैलकुलेशंस है जिसका, जैसे मुझे याद है अद्वैत इज देयर हु इज हैविंग वेरी गुड मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट स्क्वेयर रूट्स. स्क्वेयर रूट्स बोला ना, फटाफट निकाल के दिखाता है. एक्चुअली नॉट अद्वैत, दक्ष इज देयर एंड मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु आर गिविंग फास्ट आंसर ऑफ फाइंडिंग आउट स्क्वेयर रूट. बट जब ये और डिफिकल्ट होता है ना, तो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सॉल्व. सो इन दैट टाइम वी आर यूजिंग दिस लॉग बुक. In 11th and 12th board exam, annual exams are there, or any exams are there, written exam, you're allowed with logbook, not a calculator or mobile. So we have to learn that method how to solve and simplify. Because in 12th exams, physics and chemistry numericals, bade bade numericals hote hain, we are supposed to find out. How, what about entrance, sir? We are not using entrance by logbook. No, logbook is never used in entrance, but we are having a shortcut method for that. Wo tricks hota hai jo hum aapko sikha sakte hain. बट वो अप्रोक्सीमेट ट्रिक्स होता है. सो एग्जैक्ट तो चाहिए तो लॉगरिथम बुक ही चाहिए, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है. तो बड़े बड़े कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए वी आर हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड कॉल्ड लॉग. लॉग बुक से हम स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर्स कैसे फाइंड करते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले स्क्वेयर से. हाउ टू फाइंड स्क्वेयर्स, आपको मालूम है कि 2 का स्क्वायर मालूम है सर हमें 4, 3 का स्क्वायर मालूम है 9. वी नो सम स्क्वायर्स, 4 का स्क्वायर 16. सर ये सब क्या सिखा रहे हो, ये सारे स्क्वायर मालूम है. व्हाट अबाउट 471 का स्क्वायर, एनीवन? सर मल्टीप्लाई करेंगे ना 471 471 से. इट वुड टेक टाइम 471 का स्क्वायर निकालने के लिए, बट लॉग बुक इट इज इजियर. अगर आपके पास लॉग बुक है तो आप वो जो पीडीएफ है, यू कैन ओपन एंड फाइंड आउट स्क्वायर पेज. आई एम हैविंग हार्ड कॉपी, दैट इज मोर इजियर. आपको पेज नंबर 18 है वो, उसमें इफ यू चेक दैट पेज. यस, निकाला पेज नंबर 18 जो मैंने पीडीएफ सेंड किया उसमें से. यस, उसमें 471 का स्क्वायर देखना है. तो सी 47 एकदम नीचे है एंड आर यू एबल टू सी दैट? ओके, हार्दिक मिला है आपको, आप चेक करो व्हाट्सएप पे. यस, परफेक्ट आर्यन शेट्टी. हार्दिक चेक किया आपने? मैंने व्हाट्सएप पे दिया है आपको सर. 2218141 वाला. 41. Yes. Very easy ना. 471 का स्क्वायर आप लोगों ने तो कितना इजीली लॉगबुक में देख लिया. Everyone are able to see this? Yes. 221841. Yes. Yes sir. कितना आसान है. Yes sir. 221841. Yes. कितना बड़ा भी नंबर हो ना, मैं फटाक से निकाल, मतलब तुरंत निकाल सकता हूँ. Okay. What is the square of 14? 1988. हाँ, मैं जानबूझ के बाउंसर डाला. 19 क्या? 14 का स्क्वायर क्या? 1988 कहाँ है? 14 हाँ, 14. 14 का स्क्वायर 196. जिन लोगों ने लॉगबुक यूज किया ना, मैं जब क्वेश्चन पूछा जाता हूँ, भाई तुम्हें 14 का स्क्वायर नहीं आता? आता है तो क्यों देखा? ओके चलो सर, 14 का स्क्वायर आपने बोला तो देखना था ना, लॉग बुक लर्न कर रहे हैं. बट आपने किस में देखा पता है? 1 और 4 में देखिए. 1 और 4 में पहले कॉलम का 1 और सेकंड कॉलम का 4 मिला 196. ओ यस सर. यस, बट अगर किसी ने 14 के 0 में देख लिया होगा ना, 14 के 0 में, तो उससे मिला होगा 1996. 14 के 0 में देखा, मतलब किस में देखा आपने? किसका देखा? 140 का स्क्वायर देखा, तो वो 19600 है. बट अगर आपने 1 के 4 में देखा तो 196 मिलेगा. वापस रिपीट करता हूँ, 1 के 4 में देखा तो. आर यू गेटिंग दैट? वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी मेथड टू फाइंड आउट स्क्वायर्स. मैं आपको और 3-4 क्वेश्चन बताता हूँ. जिन्हें नहीं आ रहे वो लोग, स्क्वायर एक बार सीख गए तो हमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना इसमें. सबसे इजी स्क्वायर है 37.
428 2 29 1 2 8 7 35 Yes, पहले का आंसर पहला 37 1369 वेरी गुड 1369 37 का आपने कहाँ देखा हाँ नहीं तो 37 के जीरो में देखोगे तो यू गेट 370 का इतना समझ में आ गया होगा आपको ओके 1169 क्या बोला आपने 1369 ओके व्हाट अबाउट 428 का स्क्वायर 1831 परफेक्ट 29 का 78 का स्क्वायर होगा समझा 35 का 1225 परफेक्ट तो मुझे लगता है स्क्वायर की कहानी खत्म हो गई समझ में आई क्या यस सर आप उसके बाद वाला मतलब ये जो पेज नंबर 18 है 19 में उससे बड़े 50 से लेके 99 तक समझ रहे हैं तो आप 1000 तक के देख सकते हो नाउ क्वेश्चन इज सर इसके आगे नंबर का क्या 2341 का कैसे देखूं मैं नॉट पॉसिबल बाय दिस लॉग बुक 2341 का स्क्वायर्स नहीं देख पाएंगे हम वी कैन नॉट सी बाय दिस लॉग बुक हाँ लॉग की मेथड से देख सकते हैं बट स्क्वायर वाला टेबल से 2341 चार डिजिट नंबर का नहीं हाँ 999 का देख सकते हो आप 99 के 9 में इफ यू आर एबल टू सी 99 का 9 क्या है देख 998001 correct oh yes you understood how to see and कब्स कहाँ से कहाँ तक है कोई बताएगा कहाँ से तक हम square देख सकते हैं zero से nine zero का square zero ही है इसीलिए आपको सबसे पहले column में zero दिखेगा देखो है ना जीरो का स्क्वायर जीरो है फिर जीरो वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर जीरो फाइव जीरो सिक्स जीरो सेवन जीरो एट जीरो नाइन फिर वन जीरो वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव लाइक दैट स्क्वायर समझा यस सर सारे स्टूडेंट स्क्वायर समझ गए अभी स्क्वायर्स में लिमिटेशन क्या है हमें एक नोट डाउन करना पड़ेगा जहां आप ये स्क्वायर्स कहीं लिख रहे होगे ना जहां वहां एक लिमिटेशन लिखो We can see squares of number between 0 to 999. Between 0 to 999. Sir, what? We can see the squares of 0 to 999. We can see the squares from 0 to 999. Itna hi hum... I should write 0 to 999 इतने ही स्क्वायर्स हम देख सकते हैं लॉग बुक में स्क्वायर्स तो कर सकते हैं कितने भी कोई लेट जॉइंड है उन्हें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई अपना कोई टेंशन नहीं हाँ मैंने लेट जॉइन किया एक बार फिर से रिपीट कीजिए Who's that? So I am Sanika. अनिका ओके अनिका लॉग बुक का पेज वो मिल गया ना तुम्हें पेज मिला पीडीएफ मिला सानिका यस सर हाँ 428 का देखना है ध्रुवी तो 42 के 8 में देखा मैंने 42 के 8 में
फर्स्ट कॉलम में 42 है और 8 में क्या है? 42 के 8 में 183, 184 करेक्ट। 42 के 8 में इतना, मुझे कभी पता नहीं था कि 428 का स्क्वायर रूट इतना इंटरेस्टिंग है, 183, 184 है ना। तनिका कुछ नहीं है, स्क्वायर्स में पहले हम जीरो, अगर सेवन देखना है तो जीरो सेवन में देखने का, 17 देखना है तो 1 के 7 में देखने का, 1 के 7 में, 17 के जीरो में देखोगे तो 170 का देख रहे हो। सर और सेवन का देखना हो तो जीरो के सेवन में देखो, 49 दिखेगा आपको। अच्छा हमें कुछ स्क्वायर मालूम है, ओके सर अंडरस्टूड। और भी एग्जांपल्स आते रहेंगे। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्क्वायर्स के बारे में शुरू किया तो एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो 15 ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, सब लोग मुझे बता सकते हो इसके स्क्वायर्स। जो लोग स्क्वायर बुक से नहीं, डायरेक्ट 9025 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
25 तो आएगा ही, ये 2 है ना 25 का दिखना है, तो 5 का 25 हो गया, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 6 7 जा 42, 7 8 जा 56, 8 9 जा 72, 9 10 जा 90। अच्छे लोगों ने कहीं ना कहीं ये ट्रिक्स पढ़ा होगा, ऐसे कुछ और भी ट्रिक्स होते हैं, लेटर ऑन विल बी डिस्कसिंग दैट। यहां तक समझ में आया, स्क्वेयर्स खत्म हो गया, कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। स्क्वेयर्स का अगर आगे मैंने आपको कहा क्या, चार अगर उससे ज्यादा होगा ना तो हमें नहीं देखने पॉसिबल होगा, तो हम क्या करेंगे, 4321 का स्क्वायर देखना है तो क्या करेंगे, सो वी विल कन्वर्ट दिस 432.1 इनटू 10 रेस टू 1, सॉरी 432.1 इनटू 10 रेस टू 1 का होल स्क्वायर। इसका एक पॉइंट यहां शिफ्ट किया, क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू सी चार डिजिट नंबर का, बट तीन डिजिट का देख सकता हूं मैं, सो आई विल राइट 432.1 10 रेस टू 1 टू द 2। अब हमें अप्रोक्सीमेटली 432 का मिलेगा, 432.1 का नहीं मिलता। अगर बहुत बड़ा नंबर है आपको फिर भी लॉक से ही करना है, आप कर सकते हो, बट अप्रोक्सीमेट मिलेगा क्योंकि आपको 432 का मिल रहा है, 432.1 का नहीं मिलेगा। सो मैंने कहा ना एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी अगर कोई कहे कि सर मुझे अप्रोक्सीमेट भी आंसर चाहिए लॉग बुक से, तो यू कैन डू लाइक दैट। नंबर थ्री डिजिट में लेके आओ, कोई भी बड़ा नंबर होगा उसे थ्री डिजिट में या टू डिजिट में लेके आओ, एंड देन यूज द लॉग बुक। वापस बोलू, ये पॉइंट यहां शिफ्ट किया और ये 10 रेस टू 1 इंटू 2 मतलब 2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट आप इसका नहीं देख सकते, तो 432 का देख के जो भी नंबर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा। सो आई होप दैट स्क्वायर्स आर क्लियर, नाउ लेट्स मूव फॉर स्क्वायर रूट्स। कोई डाउट? नो सर। नो सर। उसके बाद 10 रेस टू 2 डालना पड़ेगा ना? हाँ, 10 रेस टू 2 लास्ट में जो नंबर आएगा 432 का, उसको 10 रेस टू 2 का मतलब 2 जीरो और डाल देंगे। करेक्ट? नाउ वी आर मूविंग फॉर स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स ये बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है स्क्वायर रूट्स। ये आसान नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सो स्क्वायर रूट्स बेसिकली कैसा, ये स्क्वायर रूट्स है,
सपोज ये स्क्वायर रूट का सिंबल है और आपको कहा 25 का स्क्वायर रूट 5 बट व्हाट इज 25.68 का 5.5 सर वो मेथड है उसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर मैं कहूंगा कि ऐसा बड़ा नंबर है कुछ 25 या फिर ऐसा नंबर है जिसमें सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लग रहा है तो आई कैन हैव एन शॉर्टकट विद दैट मैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट बता सकता हूँ स्क्वायर रूट्स कैसे देखा जाता है सो आप स्क्वायर रूट्स वाला पेज निकालो पेज नंबर 20 है वो आप सब लोगों ने स्क्वायर रूट्स निकाला होगा यस सर स्क्वायर रूट्स निकाला उसमें सबसे ऊपर ब्रैकेट में स्क्वायर रूट्स के बाजू में क्या लिखा है From 1 to 10. From 1 to 10. ये कहानी में ट्विस्ट है. Squares, square root जो है ना, 1 to 10 का अलग और 10 to 100 आपको नीचे अलग मिलेगा. Yeah, 1 to 10 and 10 to 100 का next page पे दिखेगा आपको दो और पेज छोड़ के. So you can understand that square roots are different for 1 to 10 and 10 to 100. Okay. So मैं आपको एक पूछता हूँ, पता चलेगा आपको. What is the square root of 4? 2 and 40 ka 20 fir 400 ka 20 iska bhi 20 iska bhi 20 sir iska bhi kar do na 20 acha lagega samajh rahe hai kya 400 ka square root 20 hota hai 40 ka nahi हाँ ऐसे खतरनाक आंसर्स होते हैं मतलब ये ठीक है आपने गलती की आप पास लेना चाह रहे थे बट मैं आपको बता दूं कि जब है ना स्टूडेंट बोलता है कि 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 तो 1000 का क्या होगा 10√10 हाँ 10√10 वेरी गुड 10√10 इट इज नॉट 100 वो 10000 का होता है 10000 का इज 100 स्क्वायर रूट्स तो हाँ इसीलिए हमें ना गड़बड़ हो जाती है वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट कि नंबर्स टू डिजिट हो या 1 टू 10 वाले हो या 10 टू 100 वाले दोनों का स्क्वायर रूट्स अलग अलग आता है स्क्वायर रूट्स आर डिफरेंट 16 आपको बता रहा हूँ जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ 49 का अलग और 4.9 का अलग व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 49 0.7 was obvious answer, but it is wrong. 0.7 नहीं आएगा. 2 point something आएगा. हाँ अभी आप logbook में वो जो page है उसमें first column क्या है first column? 2.2 2.214 आप 4.9 के जीरो में देखो 4.9 के जीरो 2.214 यस 2.2 मिला यस सर तो यहाँ आप पहला कॉलम देखो 1.0 से लेके 9.9 तक है क्या फर्स्ट कॉलम ये पेज और नेक्स्ट पेज तक 1.1 से लेके 9.9 1.0 से लेके 9.9 1.0 से लेके 9.9 फिर सेकंड कॉलम में देखो 0 से लेके 9 है और मेन डिफरेंस 1 टू 9 हां मतलब तो हमारा लॉग जैसा ही हो गया ना सर कुछ करने का नहीं जैसा आपने पहले सिखाया था वही मेथड है ना जो पहले लॉग में कैसे सिखाया था ये नंबर देखने का ये नंबर फिर ये मेन डिफरेंस का नंबर देखने का ऐड करने का आंसर आ गया ओके बताओ कैसे देखेंगे किसमें देखोगे 2.2 के 4 और 8 में 2.2 के 4 और 8 में आशावरी अच्छा था ना रेसिप्रोकल मध्ये 2.2 बग पहिले अच्छा पैरेलल लगा 2.2 के 4 में पैरेलल में जाके 4 देखो 4 1.497
1.5 1.5 1.497 and 3 1.497 and mean difference mein dekho 3 hai 1.497 or 3 that comes out to be 1.500. please ask now only if you had doubt in this. ये क्वेश्चन में डाउट है क्या? मैं अभी तो और सिखा रहा हूँ एग्जांपल्स। प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन। 2.2 के 4 और 8 में 2.2 के 4 में है ना 2.2 के 4 में आई एम ऑब्जर्विंग 1.497 और मीन डिफरेंस में 3 देखा समझा? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल चेंज जिन्हें थोड़ा टाइम लगता है ना डोंट वरी आई विल एक्सप्लेन ऑल दैट बट जिन्हें स्पीड अच्छा लगता है उन्हें ये करना चाहिए 4.628 2.916 7.814 3.4244 and last में 1.69 Where I have to repeat, Hardik? Okay. आशावरी माइक माइक बंद है वजह ओके मी बंद केला ठीक है यस तेजस्वी तनुश्री आंसर्स दिया निमेश सुले अद्वैत कहाँ है तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो ऋग्वेद निमिषा आर्या लॉग बुक में ढूंढ रहे हो बरोबर यस अश्मी वेरी गुड पहले का 2.151 कटियाइनी जस्ट चेक बिकॉज टू पीपल्स आर गिविंग डिफरेंट आंसर एंड यू आर गिविंग डिफरेंट आंसर तुम्हें 4.2.1 2.151 4.151 1.4 कटियाइनी आपका 151 नहीं आया था 149 आया था मुझे लगता है मीन डिफरेंस का आपने 8 ऐड नहीं किया करेक्ट कटेरी यस सर ओके आता समझ लो हाँ ओके 2.916 का 2.9 के 1 और 6 में 2.9 का 1 और 6 सर सेकंड वन 1.70 1.70 1.7 1.7 1.7 क्या बात है श्रेया तो रहने तो सारे आंसर भेज दिए भाई 1.708 यस 7.8 का 1 और 4 में 2.796 2.796 2.796 3.44 8.55 1.855 1.855 1.855 very good last 0 1.300 1 आपको अगर वो लास्ट वाला सम समझ में आया ना तो आप स्मार्ट हो वन सिक्सटी नाइन का स्क्वायर रूट 13 1.69 का 1.3 कुछ कुछ समझ रहा है क्या हाँ सर यस सर परफेक्ट क्या बात है यश करेक्ट ये समझा क्या मैंने ये सब चार तो मैंने दिए थे बरोबर इसमें तो आपको मीन डिफरेंस सही नहीं ना तो ऐड करने का जरूरत नहीं है नंबर देखा तो हो गया तो आप ये दोनों काफी फास्ट आंसर दिया बट यहाँ ये एक लर्न करना था 1.69 इज 1.300 आ रहा है बेसिकली 1.69 का स्क्वायर 1.3 आया 169 का क्या आता है 13 तो 1.69 का क्या आता है 1.3 अब दो शिफ्ट करने का दो शिफ्ट 1.69 है ना ये 10 इसमें 1.69 है तो 1.3 आता है 16.9 का 1.3 नहीं आएगा कभी भी 16.9 का 1.3 कभी नहीं आएगा
मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको स्मार्टनेस आ रहा है, ये स्क्वायर रूट समझ में आ रहा है क्या? यस सर, यस सर, वेरी इंटरेस्टिंग, स्क्वायर रूट्स आर देयर नाउ, और थोड़ा प्रैक्टिस स्क्वायर रूट्स में, बट नाउ मैं आपको स्क्वायर रूट्स में कुछ अलग टाइप के नंबर्स है जिसके अंदर पूछूंगा। ऐसे तो स्क्वायर रूट्स एक बार देखने आ गया ना तो फटाफट आ जाता है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो आई एम गिविंग सम स्क्वायर रूट्स, फाइंड आउट फास्ट। जिन्हें लॉग बुक में देखना है, लॉग बुक से कोई डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता है तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, बोर्ड दिख रहा है प्रॉपरली? यस सर, यस सर। अंडर रूट 8.0147, अंडर रूट 2.987, 7.8839, माइक माइक बेटा। मैं एक बार कोई वीडियो देख रहा था, टीचर गाना गा रहा था, मुझे भी बहुत मन कर रहा है गाना गाने का भी। यहाँ हमारे स्टूडेंट भी कुछ सिंगर्स हैं। यस 8.014, मेरे पास 20। हाँ ओके, मुझे कैट का आंसर देखना पड़ेगा। फॉरवर्ड, यस, क्या बात है। ओमकार सरक, ओके, वो लास्ट वाले आंसर से। अश्मी, वेरी गुड अश्मी। परम, क्या बात है। आर्यन शेट्टी, यस, शुरू करते हैं, बोलो। 8.0 यस यश, क्या बात है। 2.831, 1.728, 2.808, 3.149, 1.056, perfect. All answers आपने square roots पर बराबर बताए। और भी बच्चे answers भेज रहे हैं। I'm waiting, don't worry. बराबर है आपके सबके square roots? Okay, typing mistake, no worry. Yes, Omkar, क्या बात है। श्रेयाधरे, perfect. These are all answers where they are writing together, एक साथ भेज रहे सब लिख के, that's a very good. क्योंकि एक एक करके भेजना भी थोड़ा वो आगे पीछे मुझे चैट्स में अलग अलग आता है। ओके, मुझे लगता है आपको स्क्वायर रूट समझ में आया। तो अब स्क्वायर रूट्स में कहानी में ट्विस्ट है कि अगर आपको ऐसा दिया है 23.46 तो क्या करने का? किसमें देखोगे आप? आपको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100। वेरी गुड, स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100 में जाना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट पेज में जाके 23 के 4 और 6 में देखना पड़ेगा। 27 plus 6 = 33 होता है। सब लोग कैसे गलत आंसर देते हैं। अच्छा, मैं चेक कर रहा था, ये तो आप लोग तो मुझे गलत आंसर लिखवा देते हैं।
सर 23 का सर 23 का 4 और 6 चेक करना है ना सर. हाँ 23 का 4 क्या है? 4.837. हाँ फिर करेक्ट है. ओके मैं 27 में देख रहा हूँ. 37 बराबर है तुम्हारा. 43 करेक्ट. 37 है देखो 4 में और 23 के 4 में दिखना है. 23 के 4 में और 6 में. हाँ जो में और एक नंबर है ना कंफ्यूज हो गए. समझा? यस सर. 64.00 का 8 चेक कर लो एक बार फिर भी तसल्ली मिलती है कि भाई ये स्क्वायर रूट बराबर जा रहे हैं हम लोग. 64 के जीरो में देखो 29.15. ये बराबर है 67.83 का. 35.03. 3.500. जिन्हें याद है ना स्क्वायर ऑफ 35 1225 के लिए था वो. स्क्वायर ऑफ 35 1225 स्क्वायर ऑफ 12 स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 इज 3.5. जिन्हें लॉजिक समझ में आया होगा अच्छी बात है. समझाइए फिफ्थ. यस सर. यस सर. 67.83 में किसी ने आंसर yes, नहीं दिया. ज्यादा लोगों ने ये सब किया. 8.236. यस सर. यस सर. यस सर. अभी मैं इसके और पांच एग्जांपल नहीं ले रहा क्योंकि अननेसेसरी स्क्वायर रूट्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है. तो मैं अब थोड़ा स्क्वायर रूट्स में क्या डिफिकल्टी आती है बता दो. स्क्वायर रूट्स में खास करके स्क्वायर रूट्स में तो वी आर हैविंग स्क्वायर रूट्स ऑफ हमें पूछा है स्क्वायर रूट्स ऑफ 735.2. हाउ विल सॉल्व 735.2 का स्क्वायर रूट. आपके पास स्क्वायर रूट 1 टू 10 और 10 टू 100 का ही है बट थाउजेंड्स का नहीं होता. हमारा लिमिट है यहाँ 0 से लेके 100 तक हम स्क्वायर रूट देख सकते हैं बट वी आर नॉट हैविंग 735.2 का. तो क्या करें हम? देखना तो है स्क्वायर रूट. देखना तो है फिर कैसे देखें? 73.5 into 10 raised to 1. ये मुझे मोस्ट ऑब्वियस आंसर लगा. ये पूछेंगे मतलब ये लोग बोलेंगे 73.52 बट मैं कहूंगा ये नहीं चलेगा क्योंकि 73.52 आप लॉग स्क्वायर रूट देख सकते हो बट व्हाट अबाउट 10 का स्क्वायर रूट. 10^1 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा. मतलब आता है बड़ो कैलकुलेशन बड़ा होता है. इसके अच्छा अगर हम 10^2 लाते ना इवन नंबर लाते ना तो अच्छा होता. तो इसे क्या लिखना चाहिए हमें? 7.352 into 10^2. What is square root of 7.3 into log book में 1 to 10 में देखो 7.3 का 5 और 2 में. थोड़ा पीडीएफ घुमाना पड़ता है यहाँ. 7.3 के 5 और 2 में. आई एम वेरी सॉरी बिकॉज वी आर हैविंग हार्ड कॉपी. जिनके पास नहीं है उनको थोड़ा मुश्किल जाता है ये. 2.711. अब 10^2 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा. 2.711. 10^2 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा? 10^1. वेरी गुड. ये कंसेप्ट यूज करने के लिए हमें ये एक पॉइंट को ये नहीं शिफ्ट किया बट ऐसा शिफ्ट किया. 27.11. मुझे बता सकते हो 25 का स्क्वायर क्या है?
625 और 900 के बीच में है, 625 और 900 के बीच में ये नंबर है, तो ऑब्वियसली स्क्वायर्स स्क्वायर रूट इसका 25 और 30 के बीच में आना चाहिए कहीं तो। मतलब क्या होता है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बता लॉजिक यूज ही नहीं करता, तेरे को आंसर आता ना 2.71 वही लिख के आ जाता है, कैसे होगा 27 आना चाहिए, फिर डेसिमल का आइडिया नहीं था सर हमें, गड़बड़ कर दिया ना, ऐसा नंबर इतना बड़ा चेंज कैसे हो सकता है, हाउ यू कैन गेट अ वेरी बिग डिफरेंस 735.2 का स्क्वायर रूट 2.7, हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज 27.11 आना है, ये लॉजिक भी यूज कर लेने का फाइनल आंसर आने के बाद। अरे समझा मैंने क्या कहा, लॉजिक क्या है इसका, 625-900 के बीच में कहीं तो नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट 25-30 के बीच में कहीं तो आएगा, इससे कहीं बहुत ज्यादा वियर्ड आ रहा है तो आपका मिस्टेक है। पहला सम समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। राइट दिस इफ एनीवन विश टू राइट, बिकॉज़ दिस एग्जांपल का थोड़े से अलग है। सेवेंथ पहला वाला लिखने के बाद पहले देखो, आप स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं देख सकते, आप स्क्वायर रूट नहीं, आप लर्न कर रहे हो हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। जीरो पॉइंट 6273 कैसे लिखेंगे? 62.73 into 10 raised to -2. Very good, -2. ये स्टेप समझा, यहाँ से राइट साइड में जाएंगे तो -2 होगा। नाउ 62.73 में देखिए, क्या बोला? 62.73 Yes, anyone was asking anything? Yes, Katyaini? 62.73 7.920 माइनस टू का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो -1, ये मालूम है आपको सर? 7.920 ओके, वेरी गुड दुर्वा। इसके बाद 0.7920 हो गया ना, हो गया पॉइंट शिफ्ट कर लिया ना हमने। अरे समझा? Yes, sir. It's very strange, a very strange answer. अगर आपने observed किया होगा, square root of 0.6273 is 0.7920. वापस बोलो, 0.6273 का square root 0.7920. Sir, zero की value थोड़ी है। I'm not sure. Zero की value. यहाँ जीरो की वैल्यू है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, पॉइंट के बाद है ना सर? हाँ पॉइंट के बाद है, बट फिर भी ये नंबर 6273 नंबर जो है उससे बड़ा उसका स्क्वायर रूट आया। हाँ खुली गया? यस सर। वेरी स्ट्रेंज पार्ट, और एक करते हैं, ये बताओ पहला स्टेप। जीरो पॉइंट सेवन बट स्टेप इज लाइक दिस -2, यू आर सेइंग आंसर इज करेक्ट 49 into 10 raised to, ये दो शिफ्ट किया 10 raised to -2, 49 का स्क्वायर रूट देखा 7.000 मिला into 10 raised to -1, then you shift it so that you say the square root is this. Very strange, 0.49, a square root 0.7, more than 0.49.
ये सिर्फ वन से छोटे नंबर होता है ना उसमें ऐसा होता है, बाकी सब में नहीं होता, बाकी सब में स्क्वायर रूट हमेशा छोटा ही नंबर आता है। मतलब 36 का स्क्वायर रूट कभी 36 से बड़ा आया क्या? 6 आया, छोटा आता है ना। वैसे वन से जो छोटे नंबर होते हैं ना उनका स्क्वायर रूट, उनके स्क्वायर रूट उनसे बड़े भी आते हैं, जैसे 0.49 का स्क्वायर रूट 0.7 आया। सो दैट्स अ न्यू लॉजिक यू आर यूजिंग इन दिस। 0. अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं हम। 10800 कैसे लिखना? 10.800 × 10⁻³ बस गए आप। -3 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो इवन नंबर चाहिए हम। आप जो बोल रहे हो ना 10.8 × 10⁻³ अब आते हैं। इतना बड़ा आवाज आया ना मैं डर गया थोड़ी देर में, कितना जोर से चिल्लाता हूँ। 1, 2, 3, 4 1.0800 × 10⁻²। लेफ्ट साइड में +4, लेफ्ट साइड में +4, राइट साइड में जाओगे माइनस। सबको मालूम होगा, वो सीखना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 चार शब्द के लिए मानो ना 1.0 का 8 में देखो, 1.0 का 8 में स्क्वायर रूट्स 1.039 × 10⁴ का स्क्वायर रूट 2 वेरी गुड। ये समझा? 103.9 मुझे लगता है आपको स्क्वायर रूट्स में ये नया चीज समझ में आया होगा कि हम स्क्वायर रूट्स किसी भी नंबर का देख सकते हैं सर, उसमें लिमिट नहीं है। हाँ, लॉग बुक में 1 to 10 और 10 to 100 है, बट हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्वायर्स में लिमिटेशन था, स्क्वायर रूट्स में कोई लिमिटेशन नहीं, किसी का भी देख सकते हो, प्रोवाइडेड आप उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे सर? कन्वर्ट ऐसा करोगे जिससे पावर ऑफ 10 जो है वो इवन नंबर आए, ऑड नंबर नहीं चलेगा, ऑड नंबर नहीं चलेगा। क्यों सर? स्क्वायर रूट से वो 10⁴, 10⁶, 10⁸ ऐसे वो बाहर आके हाफ हो जाएगी स्क्वायर रूट्स में। ऐसा क्यों सर? तो 10⁴ और स्क्वायर रूट मतलब हाफ, तो ये सर 4/2 मतलब 2 होता है ना, इसीलिए ऐसा कन्वर्ट होता है। बट अगर आपने 3 बोला होता तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, 3/2 मतलब 1.5, ऐसा कोई पावर नहीं निकाल सकते। सो वी डोंट टेक एनी ऑड नंबर, वी ऑलवेज कन्वर्ट इट टू इवन नंबर। बट इवन नंबर लाने के लिए आपको पॉइंट कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि वो नंबर 1 to 10 और 10 to 100 के बीच में लाने के लिए हमें पॉइंट कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। समझा? एक और एग्जांपल एंड देन वी कैन से दैट यू अंडरस्टूड सर। हां, हमें रूट में इवन नंबर तो 4 ही लेना है क्या? नहीं, इवन नंबर -6 आया तो चलेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, सबसे पास वाला लेंगे ना। -6, -8, -10 कितना भी ले सकते हो। और बाहर निकलने के बाद हाफ हो जाएगा, होगा ना? हाँ, हाफ हो जाएगा। कनिका, ये क्वेश्चन आपको समझाएगा क्या करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 8.421 × 10⁻¹ समझा? ये नंबर आ गया 1 to 10 के बीच में और 10 to 100 के बीच में आ गया, और ये इवन नंबर है। हाँ, अभी 8.4 के 2 और 1 में 2.902 वेरी गुड। यस दुष्मा, -3 -6 का क्या हो गया? -3 0.002902
आप ये नहीं करोगे इतना लिखा तो भी चलेगा, बट अगर आपको शिफ्ट करना है तो ये पॉइंट इधर था ना, एक दो तीन सीखा हुआ चाहिए, बट मैं ऐसा नहीं लिखता नॉर्मली, ऐसे नंबर्स को इतना ही रखना अच्छा है ना, अच्छा लग रहा हो तो परेशान करना। सर गेटिंग हाँ सर, नाइन्थ मध्ये 1.0800 नाही घेतलं किंवा 10.800 घेतलं तर इंटू 10⁻²। किधर किधर ये हाँ इसमें क्या करने का, 10.800 इंटू 10⁻²। असं कसं एक झिरो काढून टाकायचा म्हणजे हजारच्या ऐवजी त्याला 100 करून टाकायचो आणि नंतर स्क्वेअर रूट काढलं तर 10.800 टाकतोय ना। हा 10.800 टाकते आणि नंतर इंटू 10⁻²। मायनस कसं इकडून या साईडला जाते तर प्लस येणार पहिली गोष्ट, लेफ्ट टू राईट गेले तर डेसिमल यहाँ है ना। हाँ तो मैंने कितना शिफ्ट किया, एक दो तीन, 10 पॉइंट कहा ना आपने, आपने 10.800 कहा, 10.800 कहा और आपने तीन डिजिट शिफ्ट किया, एक दो तीन, तो आप टू कैसे लिखोगे, थ्री लिखना पड़ेगा आपको, वो भी 10⁻³। यस सर गॉट इट। तो मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग है स्क्वायर रूट्स एंड आप लोगों को कैन द पावर भी डेसिमल, आशा वरी पावर डेसिमल में नहीं ले सकते। ओके सर, पावर जो है ना डेसिमल में मतलब आई एम नॉट गेटिंग इट, डेसिमल मतलब 1.2, 1.3 ऐसा नहीं नहीं चलेगा ऐसा, अगर हमने लिया ना तो हमें उसको बाहर कैसे निकालेंगे, वो 10⁻² वापस वो सॉल्व करना अलग मेथड हो जाएगा, हम ऑलरेडी स्क्वायर रूट्स लेके इजी करना चाहते हैं और उसके बाद और टक्कर देंगे उसको तो नहीं होगा, समझ रहा है। तो आई होप दैट स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स समझा, नाउ वी कैन मूव फॉर रेसिप्रोकल्स, वो थोड़ा और टफ है, मुझे नेचुरल साइन कोसाइन और टेंजेंट भी सिखाना था आज की लेक्चर में, बट रेसिप्रोकल्स आज हो जाएगा बट 100% नहीं होगा क्योंकि यहाँ आप रेसिप्रोकल का पेज निकालो जरा, रेसिप्रोकल का पेज निकालोगे तो आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले स्क्वायर रूट्स के बाद, स्क्वायर रूट से पहले, स्क्वायर से पहले है मुझे लगता है रेसिप्रोकल्स, यस क्या लिखा है रेसिप्रोकल्स में पहले तो रेसिप्रोकल्स ऑफ फोर फिगर नंबर्स। हाँ तो हमारे पास अगर वो फोर फिगर नंबर नहीं है ना तो हम रेसिप्रोकल्स नहीं देख सकते, उससे बड़े नंबर का नहीं देखते हम रेसिप्रोकल्स। अभी आप मुझे ये बताओ क्या क्या है उसमें रेसिप्रोकल्स में, पहला पार्ट क्या है, किधर से स्टार्ट होता है, 1.0 से लेके 9.9 से लेके 9.9 तक है उसमें, वेरी इंटरेस्टिंग, 1.0 से लेके 9.9, फिर सेकेंड कॉलम में 0 से लेके 9 है, यस सर, और थर्ड में 1 to 9, पर आपको 1 to 9 स्ट्रेंज चीज दिखा हुआ मीन डिफरेंस के बाद सब्सट्रैक्ट, अभी तक हम सब में कहीं लिखा नहीं था तो ऐड करते थे, बट अभी जो लास्ट में जो नंबर आता है ना 3, 7, 1, 15, 12 जो नंबर छोटा आता ना उसको हम ऐड नहीं करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, किसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, वो जो वैल्यू आएगा उसको, फॉर एग्जाम्पल 1.4237 किसमें देखोगे, 4.2 के 3 और 7 में, 4.2 के 3 में 2370 नहीं बेट 2364 वेरी गुड 2364 थोड़ा बाजू में हो जाता इसीलिए ध्यान देना पड़ता हूँ 2364 और 7 में क्या है उसके 2360 अब है ना हमेशा ये नंबर जो भी आएगा ना ऐसा ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रेसिप्रोकल आएगा ना वो हमेशा 0 पॉइंट होगा, क्या होगा 0 पॉइंट विदाउट एनी डाउट यू हैव टू राइट लाइक दिस 1/4.237 का स्क्वायर रेसिप्रोकल है 0.2360। ये सब्सट्रैक्ट समझा, वहां लिखा है ना, उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है,
सर्कल सब चेक करने का, लिखा होगा तो सब चेक करेगी, नहीं तो ऐड कर दे। नेचुरल कोसाइन आगे आएगा ना, वहां भी ऐसा सब्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, दो ही जगह पूरे लॉग बुक में, बाकी सब जगह ऐड ही करना है। तो सब्सट्रैक्शन का ये कंसेप्ट समझा आपको। रेसिप्रोकल मैं आपको और एक दो पूछता हूँ, थोड़ा बहुत आपको आइडिया आएगा। रेसिप्रोकल 1/5.289 5.2 के 8 और 9 में, 5.2 के 8 में है 1894 क्या लिखना चाहिए मुझे? 0.4 आपको पता चला होगा तो वो 2.5 है, रेसिप्रोकल ऑफ 2.5। मैं आपको ये तो आपने रेसिप्रोकल टेबल में देखा, बट इससे हम डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं। 2.5 मतलब क्या होता है? 0.5 मतलब 5/2 बेसिकली। और नीचे 2 मतलब ऊपर 2, मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, 2 2 4, 5 2 10, व्हाट इज 4/10? 0.4 इज अ ट्रिक टू सॉल्व। अगर आपको 2/5 डायरेक्टली 0.4 मालूम है बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको बता रहा था ट्रिक भी होता है ऐसा। अब स्कूल में था 8-9-10, मैं वाज 8-10 में 6-7 में ऐसा ट्रिक था सीखा, मस्त था वो। हाँ, ये रेसिप्रोकल टेबल से, रेसिप्रोकल का लॉक टेबल में जो दिया है रेसिप्रोकल उससे निकाला, और डायरेक्ट मेथड से भी वही आता है। I hope that question 3 समझ में आया। 2.098 4785-19 Now bouncer 1/63.78 Can we see the reciprocal of a number which is not in 1 to 10 के बीच में नहीं है? वो हमारे पास 1 to 10 का ही है रेसिप्रोकल, 1.0 से लेके 9.9 तक जैसे। तो इस नंबर को क्या करें हम? आपको ही बोलेगा सर ये ऑड चलेगा, अरे ऑड इवन कुछ भी चलेगा, स्क्वायर रूट में थोड़ी है कि उसको बाहर निकालना पड़ेगा। हमें चाहिए नंबर ऐसा जो 1 to 10 के बीच में है, कैसा भी नंबर हो 1 to 10 के बीच में लाने का उसको, कैसा भी नंबर हो 1 to 10 के बीच में लाने का। ये इधर एक राइट लेफ्ट साइड में शिफ्ट के इसलिए 10:1। अब 6.3 के 7 और 8 में, 6.3 के 7 और 8 में 1568 0.1568 वेरी गुड 0.1568 एंड -1 चाहो तो इसे शिफ्ट करो, नहीं तो ऐसा ही रख दो। ये शिफ्ट करने का झंझट क्यों, यही रख दो ना। ऊपर लिया समझा, वन था वो ऊपर जाएगा तो माइनस वन होगा सर। 10^-1 हाँ 10^-1 को बोलो बोलो सानिका। सर आगे सॉल्व नहीं करेंगे? कर सकते हैं ये सॉल्व, ये पर इधर शिफ्ट करने का क्या होता है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि कोई बच्चा उसे शिफ्ट करने में गड़बड़ कर देना तो मुझे वो प्रॉब्लम होगा। ये शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बट हमें तो रेसिप्रोकल देखना था ना, हमें कौन सा कैलकुलेशन में 10^-1 काम आएगा? ये माइनस वन दिया है ना, हम आगे कोई कैलकुलेशन हो गया ना वो काम आता है, वहाँ शिफ्ट करने से कुछ काम नहीं आएगा। ओके सर ओके 1 अपॉन
2788 यस कैसे लिखे इसे 3.5586 अभी ये नंबर का आपने रेसिप्रोकल देखा तो हम क्या लिखेंगे 0.3586 और ये ऊपर गया तो 10^-3 So, आप लोगों को शार्प 8:30 आज मैंने आपको स्क्वायर्स स्क्वायर रूट्स रेसिप्रोकल्स स्क्वायर्स स्क्वायर रूट्स एंड रेसिप्रोकल्स इंट्रोडक्शन दिया आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर यस सर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मेथड वेरी न्यू मेथड एक नेचुरल कोसाइन नेचुरल साइन कोसाइन टेन बाकी है और उसका इनवर्स बाकी है बट वो हम जल्दी नहीं लेंगे थोड़ा ब्रेक लेंगे उसको बिकॉज इतना तो हम यूज करना शुरू करें बहुत सारा एक साथ सिखा दिया तो ज्यादा थोड़ा थोड़ा करके लर्न करेंगे मुझे लगता है आज का लेक्चर आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा थैंक यू यस सर थैंक यू एवरीवन यस अश्मी थैंक यू कोई डाउट है कौन अला